डियर जिगर्स, वेलकम बैक। आज हम आए हैं शूट पर। जो हमारी लोकेशन है वो है पैराडाइज, और मेरे साथ बहुत दिनों के बाद शूट करने आए हैं हमारे फहद भाई, फॉलो फहद, जिनकी एक क्लिप बहुत ही वायरल हुई थी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पर। फहद भाई, बड़े दिनों बाद आपने टाइम निकाला है शूट के लिए। आज के शूट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ है, क्या करना है, कुछ बताएं हमें अपने शूट के रिलेटेड। यार अथर, असल में ऐसा कोई प्लान नहीं किया हुआ, बस काफ़ी दिनों से नहीं बना रहे थे तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, और तकरीबन 5-6 महीने का गैप आ गया है। 5-6 महीने। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पर नोट कर लूँ कि फहद भाई के पास एक ईमेल आई थी यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब ने इनको वार्निंग दी थी, उससे रिलेटेड मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था। वो सीन क्या है, ज़रा आप हमारी ऑडियंस को बताएं। भाई, ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था, तो आप वीडियोस बनाते रहें, आप वीडियोस बनाना ना छोड़ें, आप कोई लंबा गैप ना दें। हुआ ये कि 5 महीने तक मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो मेरे पास यूट्यूब की तरफ से ईमेल ये आई है कि जो मेरी मोनेटाइजेशन थी ना, वो ख़त्म कर दी गई है, अब मुझे मोनेटाइजेशन को दोबारा एक्टिव कराना पड़ेगा। और उस मोनेटाइजेशन को एक्टिव कराने के लिए जो यूट्यूब की पॉलिसी होती है ना, उसको फुलफ़िल करना है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम। तो क्या वो ख़त्म हो गई या उन्होंने वार्निंग दी है? यार, वार्निंग दी थी, अभी तक सेकंड ईमेल आई नहीं कोई, और इस बात को भी 1 महीना हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मोनेटाइजेशन चैनल की ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। अब मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या वो मोनेटाइज हो रही है या मुझे दोबारा कुछ ना कुछ करना है। वो वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा आज की इंशाल्लाह बनाने के बाद, फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। और ये लॉन्ग गैप का रीज़न? लॉन्ग गैप का रीज़न ये है कि जॉब थोड़ी सी टफ चल रही थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह माँ MBA दोबारा स्टार्ट कर दिया है, जो कि ज़रूरत भी है, तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं रेगुलर, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। ऊपर से जो हमारी मोटिवेशन है, मानी भाई मेरे साथ ही हैं, जो अक्सर वीडियोज़ में दिखते हैं, तो मानी भाई ने बिल्कुल बहुत मोटिवेट किया, बहुत गाइड कर, आज मानी भाई यहीं पर लेकर आएँ अथर और अरसलान के साथ। तो उम्मीद है कि अथर, अरसलान और मानी भाई हम लोग साथ मिलकर इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मेरे चहीते दोस्त बहुत दिनों बाद मेरे साथ शूट पर आए, अरसलान भाई। अरसलान भाई, भई आजकल डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, और मैंने इनको एक चैलेंज दिया था जबानी कलामी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप मुझे चैलेंज करें बतौर वीडियो पर। बात तो सही है। तो भई आपके लिए चैलेंज ये है, आप वीडियो बनाएंगे कंटिन्यू डेली, एक व्लॉग, नॉट शॉर्ट वीडियो, एक व्लॉग आप बनाएंगे डेली, अपलोड करेंगे डेली 60 दिनों तक। और अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया, तो मेरी तरफ से आपको पार्टी। अरे बस कर, क्या कहेंगे आप? चलो, कोशिश यही है कि मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, ठीक है। बाकी ये है कि यार देखो, कभी कभार जैसे आपको फहद भाई ने भी कहा कि काम नहीं, मसरूफियात होते, नहीं चैलेंज में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 60 दिन का कहा है ना आपने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 60 दिन तक मैं रेगुलर वीडियो शूट करके अपलोड करता रहूँगा, डेली व्लॉगिंग अगर कर लिया तो। अगर कर लिया तो मैंने कह दिया ना, मैं आपको पार्टी दूंगा। नहीं, फरारी गाड़ी चाहिए यार, निकल। फरारी गाड़ी, ये मुंह फरारी ये फरारी वाला मुंह है भाई इनका। अबे मुंह इसका मेहरान वाला नहीं है, मांग ये फरारी लाए। अच्छा चलो भाइयों, अगर मेहरान वाला मुंह है तो मेहरान ही दे दे भाई, देगा 60 दिन में मैं अगर डेली व्लॉगिंग करूंगा। नहीं, कोई भाई, नहीं, अगर पार्टी की बात है, मैं पार्टी देने के लिए तैयार हूं। फायदा तेरे 2-2.5 हज़ार दो विटनेस है, हमारे पास दो विटनेस है। आज 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 क्या तारीख है? आज है 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी 2024, ठीक है, 28 फरवरी और 28 मार्च, ये 60 दिन के अंदर। भाई बीच में रमजान आएगा, रमजान का कुछ कह नहीं सकता। देखो, चैलेंज तो यही होता है ना, चैलेंज यही है ना, चैलेंज का मतलब क्या? चैलेंज को एक्सेप्ट करो। नहीं, चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यानी कि अगर 28 मार्च तक रेगुलर आप व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग करते रहते हो, तो इंशाल्लाह अप्रैल की 1 तारीख को, पहले को नहीं, ईद को ताकि चलो ठीक है, ईद को ही मार्च को है ना, आपको पार्टी देने के लिए तैयार। अगर मैं हार गया ना, तो बशर्ते चैलेंज कंप्लीट होना चाहिए। आपका इंटरनेट खराब हो, आपको बवासीर हो, आप मर जाएं, सड़ जाएं, कुछ भी हो जाए, आपको एक वीडियो अपलोड करना है, चाहे कब्र से या बरजक से या कहीं से भी, आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। मगर कभी कभार ऐसे मसले मसाइल सिचुएशन है, मसले मसाइल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शॉर्ट वीडियो डालनी है ना, पार्टी खाली इनको नहीं, हमें
पार्टी भी चाहिए होगी यार। ये भगवान क्या जुलुम है, सबको दोगे? चलो ठीक है भाई, ये दो विटनेस हैं, एज अ विटनेस के तौर पर मैं इनको भी इस पार्टी में इंक्लूड करूंगा। भाई बात भाई आप ये भाई शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करो, कभी कभार ये बात है, अगर लॉन्ग वीडियो नहीं सकी तो शॉर्ट वीडियो, लेकिन होगी डेली बेस डेली होगी यार। ये गलत बात है, नहीं 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 60 दिन तक वीडियो अपलोड होता है, सही है। इतना तो आप दो इसको मार्जिन कि आप शॉर्ट वीडियो पे आ जाओ। भाई ये दिन के 10 टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक की बात ही नहीं है ना, हम तो YouTube की बात कर रहे हैं ना भाई। डेली वीडियो पे होगा शॉर्ट, चलो भाई लॉन्ग वीडियो होगी, हां से नहीं हुआ शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा। क्या हो गया, मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करता हूं, सही है भाई। तेरी 2 महीने बाद एक वीडियो अपलोड होती है, मेरी नजर में वो एक बहुत बड़ा टास्क है। सही है, टास्क है भाई, अगर वो टास्क एक महीने के लिए दे देना मुझे, मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं उसी चीज में ही इसको चैलेंज करूंगा। बात तो सही है, लेकिन 60 दिन तक लगातार लॉन्ग वीडियो मुझे भी नहीं लगता ये कर पाएगा। नहीं, मेरे को ड्यूरेशन कम कर लो थोड़ा, कोशिश नहीं लग रहा है मुझे, दे दो मुझे ये लग रहा है बीच में यार अल्लाह अल्लाह भी तो करना यार, पूरे साल के गुनाह भी आप जैसे गुनाहगार भी। मुझे ये लग रहा है ये दोनों साजिश कर रहे हैं पार्टी के लिए, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का बोल रहे हैं। शॉर्ट देखो, शॉर्ट फॉर्म नहीं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस 6 से 7 मिनट की हो। चलो हाँ, 6 से 7 मिनट, 6 से 7 मिनट, चलो भाई एक्सेप्ट करूंगा, मगर बतौर शर्त ये है, बतौर शर्त ये है, कभी कभार मसले मसाइल ऐसे सिचुएशन होते, घर के काम वगैरह होते हैं और भी जॉब के मसले मसाइल, ओवर टाइम पे रोका ये वो और सब कुछ को देखा जाता है भाई, सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब की तरफ भाई। अच्छा चलो तो भाई क्या चाह रहे हो, ये बोले 60 दिन लगातार व्लॉगिंग करनी है, 60 दिन तक मैं लगातार वीडियो अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह ये चैलेंज मैं जीतूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है मसरूफियात की वजह से तो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी गिनती में। देखो इसने बोला है कि रेगुलर वीडियो होनी चाहिए, अब शॉर्ट वीडियो भी तुम्हारी 3-4 मिनट या 5 मिनट की हो कम से कम, शॉर्ट वीडियो भी 5 मिनट, आज ही तो व्लॉग ही बन गई पूरी। तो भाई मैं कह रहा हूं ना भाई, आप शॉर्ट वीडियो भाई ज्यादा से ज्यादा मिनी व्लॉग बना देना, मिनी व्लॉग 5 मिनट का बनता है ना, बन जाता है यार, जैसे तुम आए हो यहां पर तुम चलो आ सकते हो, चीते बंदे भाई, भाई जिस चैलेंज अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मेरे को। जिस दिन तुम्हें मिनी व्लॉग बनाना हो तुम बता देना, हम कंपनी के बाहर ही छोटा सा व्लॉग बना लेंगे 5 मिनट का, बस ये हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ईद की पार्टी या तो अथर की तरफ से या फिर मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से, दोनों में से किसी। भाई मैं तो दे दूंगा इस भाई, ये कहां से भाई, ये भी हरी वो भाई, अरसलान ये कहां से आएंगे भाई, कंफर्म करो फिर कंफर्म, अथर बोल रहा कि हां वो दे देगा। चलो भाई देखो, मैंने इसको चैलेंज नहीं दिया, चैलेंज नहीं नहीं नहीं, हर चीज से भाई तुम्हें, तुम तो जीत जाओगे ना, 60 तुम दे देगा पार्टी भाई, अगर मैं 60 दिन तक रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा जीतूंगा तो मेहनत करके जीतूंगा ना, पार्टी मैंने भी तो मिलेगी ना भाई, जद्दो जहद करके मैं 60 दिन तक अपलोड करूंगा, पार्टी भी तो मिलनी है यार पार्टी, चलो वो भी मेरे को एक्सेप्ट है, पर ये है कि भाई चैलेंज इसने दिया ना, अब मैं भी तो इसको चैलेंज दूं, ये अगर 60 दिन तक ये भी अपलोड करे इसको मैं अपना ये आईफोन दे दूं, मैं हार मानता हूं। अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन पर, 2 शॉर्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जो कि हमारे फाद भाई के चैनल पर अपलोड होंगी, आप प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब ने इनको वार्निंग दी है, अनकरीब इनका मेहनत किया गया चैनल जहाँ पर 1200 सब्सक्राइबर हैं, चैनल भी मोनेटाइज है, वो उड़ने वाला है। एक मिनट भाई भाई भाई, 1400 सब्सक्राइबर, 1400 सब्सक्राइबर बचा लें इस चैनल को, बड़ी मेहनत से इन्होंने मोनेटाइज किया है, और ये हमारी आप लोकेशन जरा चेक करें। डियर जिगर्स, शाम हो चुकी है और सूरज बिल्कुल डूबने की कगार पर है, और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक हमारा शूट चल रहा है, ये सूरज पर फोकस ही नहीं हो रहा, सड़ियल कैमरा मेरे पास है, लेकिन हमारे एक्टर्स पुरजोश तरीके से परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, एक के बाद एक शॉर्ट क्लिप बनाते जा रहे हैं। टोटल कितने शॉर्ट क्लिप हो गए आपके? 15 यार, अगर BTS करके बात करें तो तकरीबन 20-25 हो गए, 20-25 हो गए यार, लग रहा है एक्टर बन जाएंगे हम कम से कम।
शायद 10 शॉट के बाद हमारा एक क्लिप कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बार बार हमें रीटेक करना पड़ रहा है, कोई कुछ ना कुछ मतलब मिस होता जा रहा है। खैर है, लेकिन हमारे एक्टर्स पुरजोश तरीके से ट्राई करते जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये एक दिन ऑस्कर ले आएंगे हमारे पाकिस्तान के लिए। बजर है यूट्यूब। अच्छा, ये सही। So, फाद भाई ने एक स्पॉइलर दिया है कि वो अनकरीब एक धमाकेदार वीडियो लाने वाले, जिस तरह से उनकी वो चर्सी वाली वीडियो वायरल हुई थी जिस पर इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन व्यूज आए थे, कुछ इसी तरह का ये दोबारा लाने वाले हैं। ये हमारे फाद भाई है। फाद भाई, उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमें हिंट दे दे कि वो है क्या चीज़, मतलब किस हवाले से है ये। समझ एक इंटरव्यू है और इंशाल्लाह हम 4 फरवरी को इंटरव्यू शूट करेंगे। सही। और 4 के बाद 2-3 दिन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आपको पूरा यकीन है कि मतलब वो उसी तरह से हिट कर जाएगा? यार कोशिश है, बाकी इंशाल्लाह। यार भाई मेरे साथ भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और उम्मीद यही है कि इसी तरह हिट कर जाए वो वीडियो भी इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि आपकी हर वीडियो हिट करे। सही है। और आप ऑडियंस के ऑडियंस हैं आपके जो, वो हमारी भी वीडियोस को देखें लाजमी। बिल्कुल भाई, इनके अगर व्लॉग्स आप देखते हैं तो ज़रूर हमारी भी वीडियोस को देखा करें। सही है। हम इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं और हम चार यार, तुम तो यार चुप करो। अब हम जाने वाले हैं अपने घर की तरफ, रवाना होने वाले हैं। चलो घर की तरफ। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं।